जब भी कोई आकर मुझसे घुल मिल कर मिलता है, याद आता है आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मोहब्बत करने वाले आग के शोलों पर चलते हैं, जमी से उठने वाला हर कदम अपनी मंजिल से मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता थपलियाल। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास शो सोल मीट सोल, यानी कि SMS दिल से मिल। जमी पर उठने वाला हर कदम मंजिल पर मिलता है। दोस्तों, हवा से बातें भले करिए, कितना भी ऊपर उठिए, अपनी जमीन को मत छोड़िए, क्योंकि जिनके पांव जमीन पर टिके होते हैं वही चलते भी हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता को पाते ही इस कदर इतरा उठते हैं कि हकीकत से दूर हो जाते हैं। हालांकि वक्त उन्हें छोड़ता नहीं है और बहुत जल्द हकीकत से उनका वास्ता भी करा देता है। इसीलिए कभी भी अपनी हकीकत को भूलना नहीं चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज इस खूबसूरत गीत के साथ। फैशन में बॉबी डूबल रहा तारू, खूबे सेल्फी में फोटो खिंचावा तारू, खिंचावा तारू, अरे फेसबुक पर लाइक बढ़ावा तारू, खूबे सेल्फी में फोटो खिंचावा तारू, अरे फेसबुक पर लाइक बढ़ावा तारू। इतना सुंदर गाना सुनला के बाद मन मिजाज बन गई, हाँ मैसेज पढ़े और बतियावे में मजा भी आए। तो चली जा, शुरू कर जाव और पढ़ल जाव आज के पहला मैसेज। ये मैसेज आयल बा बक्सर से, भेजे वाला बाड़न सुनील। ये लिखले बाड़न की मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन हमें अपने घर वालों से बहुत डर लगता है। अगर उन्हें हमारे प्यार की खबर लग गई तो वो हमारे प्यार के खिलाफ हो जाएंगे और हमें एक नहीं होने देंगे। आखिर हम क्या करें? सुनील, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये तो आपने सुना ही होगा ना। ध्यान रखिए, प्यार में अगर आप डर गए तो फिर प्यार की मंजिल बहुत दूर हो जाएगी मेरे दोस्त। प्यार मुश्किलों से जूझने का हौसला देता है, डरने को नहीं कहता। वैसे मुझे लगता है कि आपके मन में जो ये डर है, आप दोनों को ये डर है, ये बेवजह है, क्योंकि आप दोनों पहले ही मान बैठे हैं कि घर वाले आपके प्यार के खिलाफ हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब जमाना बहुत बदलता जा रहा है। समय के साथ साथ हमारे माता पिता भी बदल रहे हैं और माँ बाप अपने बच्चों के प्रेम को स्वीकार करने लगे हैं। इसीलिए पहले आप लोग घर वालों से बात करें तो देखिए, वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। इसीलिए बेहतर है उनसे बात करके, उन्हें समझा बुझा के अपनी बात, अपने दिल की बात उनको बताकर, क्या पता आपकी जो बात है वो कहीं ना कहीं वो मान जाए और जो आप चाहते हैं उसके लिए वो अपनी हामी भर दे। तो चलिए, दिल छोटा मत कीजिए, एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा गीत। दूसरे बदनिया हमार,
तो यही कहूंगी, शादी ब्याह प्यार एक ऐसी चीज है कि जिन मामलों में हमें बात करनी चाहिए, और बिना बात करे किसी निष्कर्ष पर आ जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप किसी से प्यार करते हैं या फिर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसको तो बताएं, साथ ही साथ अपने माँ बाप से ही बात करें। और अगर आप किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो जिससे आप प्यार करते हैं एक बार इजहार भी कर दीजिए। क्या होगा ये वक्त पर छोड़ दीजिए, क्या होगा जैसे कि हमने सायरन पर छोड़ रखा है, ये ब्रेक के टाइम पे तुरंत बज जाता है और ब्रेक ले लेता है। तो चलिए यहाँ पर हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए एसएमएस। अब ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत बार व्हाट्सएप के फेवरेट शो जोना के नाम हुए एसएमएस दिल से, यानी के सोल मीट्स सोल। और आगे बढ़े से पहले हम आपके बता दें कि इस शो में आप अपना दिल के एहसास के रूबरू कराला के संगे संगे जीत सकेला एगो आकर्षक नाम, यानी एगो शो में डबल मजा या कहीं की ट्रिपल मजा, संगे संगे नीमन नीमन गाना भी तो सुने के मिल रहल बा। तो आपन मैसेज धड़ाधड़ भेजत रही, हो सकेला फ्राइडे के आपके ही मैसेज बन जाए मैसेज ऑफ द वीक। हाँ अब चली जा अगला मैसेज पढ़ल जा, जॉन आयल बा जमशेदपुर से एक भेजल बाड़ी बीना राजवंशी, ये लिखले बाड़ी की आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप आपके बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, मैं भी आपकी तरह टीवी पर आना चाहती हूँ, क्या मैं भी आ सकती हूँ टीवी पर? मीना सो स्वीट, थैंक्स फॉर योर कमेंट। वेल मेरे बारे में इस खूबसूरत अल्फाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात आपके टीवी पर आने की, तो यस क्यों नहीं आ सकती आप टीवी पर, आप जरूर आ सकते हैं और कोई भी आ सकता है, बशर्ते ये सिर्फ ख्वाब ना हो, बल्कि अपने ख्वाब को पूरा करने का हौसला और कोशिश भी जरूरी है। तो आप ईमानदारी से इस दिशा में कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर देखिए एक ना एक दिन आप टीवी पर जरूर चमकेंगी। हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, समझ गए? तो आइए सुनते हैं एक सुंदर सा गीत आप सबके लिए। उठवा से भोर के अवध किरणिया, उठवा से भोर के अवध किरणिया, कुसुमी ललैया मांगेला, रूप तोहार देखला के बाद चांद न सुनर लागेला, चांद न सुनर लागेला। पलक न झपके रूप निहारत, गजब के सुर हो सिंगार बा, ओढ़नी में बापुरवैया समाइल, देह बसंती बहार बा, देह बसंती बहार बा, दोनों जहां बा दोनों नयन जहाँ बा दोनों नयन में, सुतलो पर भी जागेला, रूप तोहार देखला के बाद चांद न सुनर लागेला, चांद न सुनर लागेला। धनुष जस लागेला भौंहा, बिंदिया सितारा समान बा, रूप तुहार भ
भगवान के दीहल बेस कीमती वरदान बा, बेस कीमती वरदान बा। केसिया से बदरी कजरा से रतिया सिया से बदरी कजरा से रतिया आठों पहर अनुरागे ला रूप तोहर देखला के बाद चांद न सुनर लागे ला चांद न सुनर लागे ला। तो आइए शो को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं अगला मैसेज। मैसेज भेजा है विक्रमगंज रोहतास से धर्मेंद्र ने, और इन्होंने लिखा है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसके लिए जान भी दे सकता था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और शादी करके किसी गैर के साथ घर बसा लिया। मैं उसे यही कहना चाहूँगा कि जख्म भर जाएंगे अफसाना कहा जाएगा, तुमको पत्थर मुझको दीवाना कहा जाएगा। आज दो घूंट को तरसाए हुए हैं दुनिया, कल मेरी प्यास को पैमाना कहा जाएगा। वेरी सैड धर्मेंद्र, वाकई आपके साथ बहुत बुरा हुआ है दोस्त। लेकिन इस तरह किसी को कोसना ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना, वो भी उसे जिसे कल तक आप जान की हद तक मोहब्बत करते थे। ये जरूरी नहीं कि उसने बेवफाई की हो, मजबूरियाँ भी हो सकती हैं भाई। आपने वो शेर नहीं सुना है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, समझ गए? तो किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी मजबूरियों पर भी गौर करना चाहिए। आप उसके साथ नहीं लेकिन उसकी प्यार भरी यादों के साथ तो जी ही सकते हैं ना। और चलिए अपने गम को अब करिए टाटा बाय बाय और आनंद उठाइए इस खूबसूरत गीत का। हो तू हमार फूला।
प्यार का मतलब सिर्फ मिलन ही नहीं होता, जुदाई भी होता है, वफा ही नहीं बेवफाई भी होता है। समझ गए? वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए SMS दिल से। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत बार हुआ सबके फेवरेट प्रोग्राम में, जोना के नाम हुए SMS दिल से, यानी कि सोल मीट सोल। आपके मैसेज ए प्रोग्राम की जान हुए, आपके मैसेज हमें लगातार मिलत रहेला और यही तरह हमें आपन मैसेज भेजत रहे। चली जा आगे बढ़ल जा, अगला मैसेज ये भेजले बा, वो अपना नाम पता नहीं के देले, ई लिखले बाड़न की मोहब्बत ऐसा जालिम रिश्ता है जो मरने भी नहीं देता और जीने भी नहीं देता। मोहब्बत की इस तरह मुखालफत करने वाले आप कौन हैं ये नहीं पता, लेकिन ये लगता है कि आपने मोहब्बत को अच्छी तरह से समझा ही नहीं है। अगर मोहब्बत को अच्छी तरह से समझ लेते तो ऐसे शब्द उसके लिए नहीं निकालते। मोहब्बत तो वो रिश्ता है जो दो अनजान दिलों को इस कदर करीब ले आता है कि फिर ये जुदा नहीं हो पाते। प्यार के रिश्ते में वो कशिश होती है, सिर्फ और सिर्फ प्यार के साथ ही जीने और मरने की चाहत होती है, वो भी अफसोस या बेचारगी के साथ नहीं। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार मोहब्बत के रिश्ते को करीब से महसूस तो करके देखिए, फिर देखिए किस तरह जिंदगी हसीन हो जाती है, क्योंकि मोहब्बत जीना सिखाती है, सही मायने में जीना सिखाती है। समझ गए? तो चलिए सुनते हैं गाना आपके लिए। लाहे लाहे जिया बेकरार हो गइल, हमरा के तोहरा से प्यार हो गइल। तोहरे बिना जियल दुसवार हो गइल, हमरी जिंदगीया तोहार हो गइल, हमरी जिंदगीया तोहार हो गइल। रोग गोरी हमके लगवलो, नाना कह के जिया रा तोहार हो गइल, हमरा के तोहरा से प्यार हो गइल, हमरा के तोहरा से प्यार हो गइल। बसल गोरी तोहरी मूरतिया, अनहार जिन गानी अब उजियार हो गइल, हमरा के तोहरा से प्यार हो गइल, हमरा के तोहरा से प्यार हो गइल।
मोहब्बत में ऐसी पाकिजगी है कि भगवान भी जब कृष्ण रूप में धरती पर आए तो खुद को भी प्यार करने और प्यार बांटने से नहीं रोक पाए। राधा कृष्ण का प्यार सदियों बीत जाने पर भी अमर है। कृष्ण के प्यार में राधा दीवानी थी, वो कृष्ण की मुरली पर नाचती थी, तो कृष्ण भी राधा के प्यार में नाचते थे। राधा और कृष्ण का महारास अद्भुत था और इनके प्यार की ऊंचाई ऐसी कि विरह में भी प्रेम ही रहता था और कुछ और नहीं। ऐसा प्यार जो ईश्वर को भी मोहित कर दे, खराब या गलत कैसे हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते, अगला मैसेज आया है छपरा से और इसे भेजने वाले हैं अर्जुन। और इन्होंने लिखा है कि अभी हाल ही में मेरी शादी हुई है, अब मेरी बीवी मायके चली गई है, उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं उसे कहना चाहूँगा कि कभी उफ, कभी आह, कभी फरियाद करती हैं, वो क्यों नहीं आते जिन्हें हम याद करते हैं। वाह अर्जुन, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, नई नई शादी हुई और आपकी बीवी मायके चली गई। आपके दिल पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करेंगे, ये दस्तूर है। आपकी पत्नी भी आपके बिना इसी तरह बेचैन हो रही होगी, तड़प रही होगी, लेकिन अपने दिल को संभालिए, ये जुदाई लंबी नहीं रहेगी, बहुत जल्दी होंगी वो आपके साथ आपके पास। तब तक इस जुदाई को प्यार में तब्दील करने के लिए ये प्यारा सा गाना आपके लिए। चाल ढाल बतलावे, अखियाई सब समझावे, तोहर चाल ढाल बतलावे, अखियाई सब समझावे, केहू खातिर खजाना इसी रहता। कहीं देले तू जरूरे बड़ू दिल, मिजाज तोहर गील रहता। कहीं देले तू जरूरे बड़ू दी, मिजाज तुहर गिल रहता। पहले से बदलल तोहार लापता रहनिया, ढहतावे जिला जवनिया। चलेलू चोनहाई के ओढ़निया उड़ाई के, मरतारू मुस्की जवनिया। इहे देखी दिमाग हमर ढीक रहता। कहीं देले तू जरूरे बड़ू दिल, मिजाज तोहर गिल रहता। कहीं देले तू जरूरे बड़ू दिल, मिजाज तोहर गिल रहता। नियन भैलू गोटा गैल देहिया, बिहतरू प्यार के परिया। कनिया जवानिया के तुरतावे मेहिया, के करा से लागल बटे नहिया। इहे मनवा में ढेर दिन से फिर रहता। कहीं देले तू जरूरे बड़ू दिल, मिजाज तोहर गिल रहता। हाँ कहीं देले तू जरूरे बड़ू दिल, मिजाज तोहर गिल रहता। स्वर्ग में जब दीवाना सबके लिस्ट बनाई है
भगवान हो सबसे ऊपर हे हो रानी आई हमारे नाम हो आई हमारे नाम हो तड़पा के तरसा के तोहे का मिली मुआ के तनी देख ले रानी दिल से दिल मिला के जान तुहरा ला हद से गुजर जाइबो हो जान तुहरा ला हद से गुजर जाइबो हो प्यार नहीं करबो त मर जाइबो हो जान तुहरा ला हद से गुजर जाइबो हो प्यार नहीं करबो त मर जाइबो हो टंका के चोट पर ई कहिले सनम तोहर पागल दीवाना भइल बानी हम हंस के इलू इलू बोलबू तहां जाइबो जान तोहरा ला हद से गुजर जाइबो हो प्यार नहीं करबू त मर जाइबो हो जान तोहरा ला हद से गुजर जाइबो हो प्यार नहीं करबो त मर जाइबो हो जान तोहरा ला हद से गुजर जाइबो हो प्यार नहीं करबो त मर जाइबो हो जब लटक झटक के जालू तू पुल के ननियन लहरालू तू अखिया में जान भुलाइल बा मन तुहरे में अझुराइल बा अब आग के दरिया पार कर इनकार छोड़ा इकरार कर परिवार से तू रिक्वेस्ट कर हमारे से मैरिज सेट कर हो नहीं मन बूता ए हो नहीं मन बूता औरी बिगड़ जाइबो हो प्यार नहीं करबू त मर जाइबो हो जान तोहरा ला हद से गुजर जाइबो हो प्यार नहीं करबू त अरे मर जाइबो रे दोस्तों इश्क में जुदाई का अपना एक अलग ही मजा है ना तभी तो ये सायरन बज गया है ताकि मैं थोड़ी देर के लिए आपसे दूर चले जाऊं और आपके दिल में वो एक करबलाहट सी मची रहे मुझसे मिलने के लिए। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्दी लौटती हूँ मैं। बस यू गई और यू आई, आप टीवी स्क्रीन से यू ही चिपके रहिए और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम SMS दिल से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा रहुआ सब के फेवरेट प्रोग्राम में जोना के नाम हुए SMS दिल से, यानी के सोल मीट सोल। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ होती है दिल से दिल की बात, जहाँ होती है दिल से दिल की मुलाकात, उन मैसेजेस के जरिए जिसे आप लिखते भी हैं दिल से और भेजते भी हैं दिल से। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं अगला मैसेज। ये मैसेज भेजा है शिवानी ने गोरखपुर से। इन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 19 साल है और मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहते। उन्हें न जाने किस बात का डर हरदम सताता रहता है, जबकि मैं घर से बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहती हूँ। मुझे बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी पापा के चलते मन मार कर रह जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें मैं कैसे समझाऊँ। शिवानी, आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में घर की चार दीवारी के भीतर कैद होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ बाप की आशंकाएं भी अपनी जगह गलत नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद सेफ रहे, सिक्योर रहे, और इसीलिए वो इस तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं आपको।
आप अपने माँ बाप को प्यार से समझाइए, उन्हें बताइए कि आपको कोई डर नहीं लगता है और अब आप इतनी मैच्योर हो गई हैं कि अपने फैसले या फिर अपने बारे में सोच सकती हैं। आजकल लड़कियाँ भी घरों से बाहर निकल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और अपनी लाइफ को अपने तरीके से हैंडल कर रही हैं। उम्मीद है वो ज़रूर आपकी बात को मानेंगे और फिलहाल टेंशन को छोड़िए। जी हाँ, ये जो प्यारा सा चेहरा है ना, इस पर प्यारी सी स्माइल ले आइए और इस गाने का आनंद उठाइए। दर्शकों, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जब हम अपनी बात शायद किसी को समझा नहीं पाते या फिर कह नहीं पाते, चाहे अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। तो आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी दिल में कुछ ऐसे जज्बात उमड़ रहे हैं, कुछ ऐसी ही बातें आपके अगर दिल में भी हैं, तो उन्हें सिर्फ अपने दिल तक मत रखिए। जिस तरह से आप इस प्रोग्राम को अपना मानते हैं, इतना अपना कि अपने दिल की हर बात हमसे शेयर करते हैं,
तो ये कोशिश अपने घर पे भी कीजिए। अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को कुछ बताना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं, तो आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात एक बार उनके सामने रख कर तो देखिए, है ना। जैसे कि सारिन बार बार अपने मन की बात हमारे सामने रखता है कि हमारे साथ साथ ये भी बहुत थक गया है, चाहता है छोटा सा ब्रेक, तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, हम बस यूं गए और यूं आए। आप देखते रहिए SMS दिल से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका महुआ प्लस के खास शो में, जिसका नाम है SMS दिल से, यानी कि सोल मी सोल। SMS दिल से में आज का शो अपने आखिरी चरण में आ पहुंचा है, तो चलिए पढ़ते हैं आज का आखिरी मैसेज जिसे हमें भेजा है पांडे कमल ने रांची से। और इन्होंने लिखा है, तुम्हारी बेवफाई की हम क्या मिसाल दें, बेवफाई की दुनिया में तुम खुद मिसाल हो। पांडे जी कमाल करते हैं, आपके शेर से तो लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, लेकिन जिसे प्यार करते हैं उस पर इस तरह भरी महफिल में लाचन लगाना, ये भी तो ठीक नहीं है ना। मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ, बखूबी समझती हूँ, लेकिन किसी पर तोहमत लगाने से पहले एक बार खुद को भी तो ज़रूर टटोलना चाहिए और उन वजहों की पड़ताल करनी चाहिए जिसके चलते वफा का खूबसूरत रिश्ता बेवफाई में तब्दील हो गया और प्यार की रुसवाई करा गया। समझ गए। और आइए अब सुनते हैं आज के शो का ये प्यारा सा गाना आपके लिए। चाहत में डूबल मनवा हम रो तुहां ऊपर अनवा, चाहत में डूबल मनवा हमरो तुहां ऊपर अनवा, पल भर जुदाई में सौ बार मरी ले, हम तो हरा से कितना प्यार कर ले, हम तो हरा से कितना प्यार कर ले। चाहत में डूबल मनवा हमरो तुहां ऊपर अनवा, चाहत में डूबल मनवा हमरो तुहां ऊपर अनवा, पल भर जुदाई में सौ बार मर ले, हम तोहरा से कितना प्यार कर ले, हम तोहरा से कितना प्यार कर ले। प्यार करी ले तुझसे प्यार करी ले, प्यार करी ले हम तुझसे प्यार करी ले। रात भा गईल बा तोहरी सुरतिया, दिलवा मिला गल हमरे प्यार के पिरतिया, हाय हम रात भा गईल बा तोहरी सुरतिया, दिलवा मिला गल हमरे प्यार के पिरतिया। जान हो दिल के मेहमान हो, तो ही तो जान हो दिल के मेहमान हो, रात दिन तोहरे इंतजार कर ले, हम तोहरा से कितना प्यार कर ले, हम तोहरा से कितना प्यार कर ले। मंगिया में तोहरा गोरी सिनुरा सजाइब, दुआरा पे तोहरा हम बारात लेके आइब, रोज भगवान जी से यह मांग
भले साथ नहीं छूटी दुनिया ही छूटी भले साथ नहीं छूटी सबसे पहले तोहरे ही दीदार कर ले हम तोहरा से इतना प्यार कर ले हम तो तोहरा से इतना प्यार करी तो दोस्तों अपने दिल की बात हमसे शेयर करने के लिए अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इस सिलसिले को यहीं रोकिएगा मत, अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस हमें यूं ही भेजते रहिए। फोन उठाइए, टाइप कीजिए SDS, दीजिए स्पेस, टाइप कीजिए अपना मैसेज और उसे भेज दीजिए 5888 पर, यानी कि 5888 पर। ध्यान रखिए आपके मैसेज में से कोई एक मैसेज हो सकता है मैसेज ऑफ द वीक और आप जीत सकते हैं मऊआ प्लस की तरफ से एक आकर्षक इनाम। तो आप लगातार हमें यूं ही मैसेज भेजते रहिए, अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए। तो चलिए इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात, पढ़ूंगी आपके दिल से भेजे गए प्यारे प्यारे मैसेजेस। तो मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय टू ऑल। ट्यूनिंग करा ला है अपना, ट्यूनिंग करा ला है अपना, जवानी के बाजाए रानिया जाहो, ए रानिया जाहो, खोल दी तहरा दिल के दरवाजा, ए रानी आ जाहो, खोल दी तहरा दिल के दरवाजा, ट्यूनिंग करा ला है अपना, जवानी के बाजाए रानिया जाहो, ईरानिया जाहो, खोल दी तहरा दिल के दरवाजा, ईरानिया जाहो, खोल दी तहरा दिलवा के दरवाजा। So this blood streams through my nuts, seems run up on them wrong and get दिल के लागी तार झनझनाए है, मोहब्बत के लगो बू तू गीत गुनगुनाए है, ट्यूनिंग से दिल के लागी तार झनझनाए है, मोहब्बत के लगो बू तू गीत गुनगुनाए है, बहिया में ओई पुत निकली धुन ताजा ताजा, ये रानिया जाहो, ए रानी आ जाओ, खोल दी तहरा दिल के दरवाजा, ए रानी आ जा, खोल दी तहरा दिल के दरवाजा। बले बाजे ला बेसूरा, जिंदगी जवानी दोनों रहे लाया धूरा, प्यार वाला बाजा जबले बाजे ला बेसूरा, जिंदगी जवानी दोनों रहे लाया धूरा, हमरा के मानी के अपना दिलावा के रह जाए रानिया जाहो, ए रानिया जाहो, खोल दी तहरा दिलवा के होली, ए रानी आ जाओ, खोल दी तहरा दिलवा के दरवाजा, ट्यूनिंग करा ला है अपना, जवानी के बाजा, ए रानी आ जाओ, ए रानी आ जाओ, खोल दी तहरा दिल के होली, अबे के बा, खोल दी तहरा दिल के दरवाजा, ए रानी दो दिल।